इस पूरे मामले पर हम ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलेंगे पंकज झा के पास। पंकज, आज किस तरीके से सुनवाई होनी है, क्या महत्वपूर्ण मामले होंगे कोर्ट के सामने? प्रणय, देखिए इस पूरे मामले में आज जो सुनवाई होनी है उसमें थोड़ा सा एक पेज फंस गया। पेज इस बात को लेकर के है कि यूपी सरकार के जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं प्रफुल्ल कमल, उन्होंने 14 मई को चिट्ठी लिखी थी। उसमें उनसे इस बात की शिकायत की गई थी कि वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो कुछ वकील हैं उनका व्यवहार अराजकतापूर्ण है, और उन्होंने इस बारे में वकीलों को चिट्ठी लिखी। इस बात को लेकर के वकीलों ने स्ट्राइक कर दी है। अब दो याचिकाएं हैं, एक तो जो गवर्नमेंट काउंसिल है महेंद्र प्रसाद पांडे की, उनकी जो याचिका है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कल इस बात को कहा भी कि उनको अब नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते हैं, उनकी ये थी कि चूँकि वजू खाना को जो है इलाके को सील कर दिया गया है, तो नमाज पढ़ने से पहले लोग वजू कैसे करेंगे, इसके लिए इंतजाम किया जाए, मछलियाँ मर जाएंगी बिना पानी की तो उनको कहीं शिफ्ट किया जाए, इस बात के लिए वो रखी गई थी। दूसरा जो मामला है वो मंजू, सीता और रेखा, ये तीन हिंदू पक्ष की जो वादी हैं, उन लोगों की एक याचिका है जो अभी आप जिस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि नंदी के सामने की जो दीवार है मस्जिद की उसको तोड़ दी जाए, और जिस जगह से हिंदू पक्ष का दावा है कि शिवलिंग मिला है उस इलाके में, उस नीचे में और सर्वे कराई जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या आज इस मामले की सुनवाई हो पाएगी, चूंकि कोर्ट में वकीलों ने हड़ताल कर दी है। इस मामले में जो गवर्नमेंट काउंसिल है उनकी तरफ से ये बताया गया है कि इस बारे में चूंकि 2 बजे सुनवाई होनी है, अभी जज के विवेक पर डिपेंड करता है, जो रवि दिवाकर हैं जज हैं, सिविल जज हैं, वो जब 2 बजे बैठेंगे तो क्या उस बात को इन दोनों याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएंगे या नहीं सुनाएंगे, ये उसी वक्त तय होगा, अभी तो सस्पेंस बना हुआ है। बिल्कुल पंकज, हम सीधे रणवीर के पास भी चलेंगे जो इस समय वाराणसी कोर्ट में मौजूद हैं। रणवीर, जिस तरीके से पंकज कह रहे थे कि इस पूरे मामले में वकीलों की हड़ताल से सस्पेंस गहरा गया है, कल सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई हुई थी, तो आज क्या उम्मीद की जाए कि वाराणसी सेशन कोर्ट क्या इस मामले में दीवार तोड़ने या मछलियों को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला दे सकता है? देखिए, सस्पेंस की बात है, और सस्पेंस फिलहाल इसलिए साफ नहीं हो पाएगा क्योंकि वकीलों ने जो हड़ताल की है उस हड़ताल का असर क्या आज की सुनवाई पर होगा वो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखिए, इसमें अलग अलग जो पिटीशंस है, एक तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है जिसमें गुरुवार यानी कि कल सुनवाई होनी है, वाराणसी कोर्ट में 2 अलग अलग मामले हैं। एक मामला महिलाओं की तरफ से है जिसमें दीवार तोड़ने की बात कही गई है, माफ़ी कराने की बात की गई है कि जो जिसको मुस्लिम पक्ष फवारा और हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है वहां तक माफ़ी कराई जाए और तोड़फोड़ करके सर्वे कराया जाए। दूसरा मामला है इसी बात को लेकर के कि जो सरकारी वकील हैं उन्होंने कहा है कि चूंकि मछलियाँ मर जाएंगी, मछलियों के जीवन को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर उनका इंतज़ाम कुछ किया जाना चाहिए। दूसरा, जो वजू करने की जगह है वो चूँकि सील है, लेकिन जो नमाजी आएंगे वो वजू करना उनके लिए ज़रूरी होता है, तो जो पाइप है उसको स्थानांतरित कराने के लिए परमिशन दी जाए। और तीसरा ये कि जो नमाजी आएंगे उनकी शौचालय वगैरह की जो व्यवस्था है उसको लेकर के भी कोर्ट कोई फैसला देगा। तो ये अलग अलग बिंदु है जिसको लेकर के वाराणसी की कोर्ट में सुनवाई होनी है, और आज थोड़ी देर बाद, अभी लगभग 9:15 बज रहा है, करीब आधे घंटे बाद ये क्लियर हो जाएगा कि सुनवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि वकीलों की अगर हड़ताल है तो वो वकील जो कि इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं वो भी वाराणसी के ही हैं, और उन्हीं वकीलों में अगर एक इस हड़ताल को लेकर के समर्थन होता है तो जाहिर है कि वो फिर कोर्ट में नहीं आएंगे, और फिर जज पर निर्भर करेगा कि वो उनका फैसला क्या होगा कि क्या वो इस मामले में आगे कोई जजमेंट देंगे या फिर कोई तारीख डालेंगे, और अगर तारीख डालेंगे तो कब की डालेंगे। जी बिल्कुल रणवीर, आप लगातार नज़र बनाए रखें, आगे भी इस पूरे मामले पर अपडेट लेंगे, लेकिन अब सीधे हम चलेंगे ज्ञानेंद्र तिवारी के पास जो वाराणसी में मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, किस तरीके की स्थिति वहाँ फिलहाल नज़र आ रही है? वाराणसी के अंदर जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से दिया गया था, चाहे मस्जिद के अंदर नमाजियों के प्रवेश को लेकर हो या ये जो पूरा माहौल है कि नंदी के सामने की दीवार तोड़ी जाए, लोग क्या कह रहे हैं, और कोर्ट कमिश्नर्स पर जो जिस तरीके का कल फैसला आया था उसके बाद आज क्या स्थिति है? देखिए, सबकी नज़र उन्हीं दो याचिका पर है जो वरिष्ठ सहयोगी पंकज और रणवीर बता रहे थे, लेकिन एक अजय दुबे हमारे सहयोगी ने एक अपडेट डाला है, और जिस खबर पर हम और लगातार सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या वकीलों के हड़ताल के बाद क्या सुनवाई हो सकती है, उसमें अजय दुबे ने एक अपडेट अभी दिया है कि महिलाओं के वकील सुधीर त्रिपाठी दावा कर रहे हैं कि ये मामला विशेष है, हड़ताल के बाद भी सुनवाई हो सकती है। निश्चित तौर पर जब इस तरह की हड़ताल हो, या तो इस मामले को, ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को लेकर जिस तरह से सुनवाई हो रही है, कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा तक को हटा दिया जा रहा है और कोर्ट इसको लेकर बहुत गंभीरता बरत रहा है, तो मुझे लगता है
जो अपडेट आया है, हालांकि कोर्ट कमिश्नर और वकीलों से बात करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन ये मामला धीरे धीरे बढ़ गया है और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया है। तो मुझे ये लगता है कि जैसा सुधीर त्रिपाठी दावा कर रहे हैं, इस मामले की सुनवाई आज हो सकती है। और जो आप हालात की बात कर रहे हैं, अगर इस मामले की सुनवाई हो सकती है तो बनारस में जो दर्शनार्थी हैं, जो दर्शन करने आ रहे हों, या ज्ञानपापी मस्जिद से जुड़े हों, तमाम वादी प्रतिवादी पक्ष के लोग हों, उनकी सबकी नज़र हो, और स्थानीय बनारस के लोगों की भी सबसे ज़्यादा नज़र, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला पहले तो सर्वे तक गया और सर्वे के बाद अब दीवार तोड़ने की बात कही जा रही है। तो ये मामला धीरे धीरे प्रणय बढ़ रहा है, और जब बढ़ रहा होगा तो मुझे नहीं लगता कि वकीलों के हड़ताल के बाद ये सुनवाई रुक सकती है या टल सकती है, जैसा कि सहयोगी अजय दुबे भी इस खबर में अपडेट दे रहे हैं। तो अब ये जैसे ही 10-11 बजे का समय बचता है होता है और कोर्ट खुलेगा, उसके बाद मैं लगातार संपर्क में हूँ अजय प्रताप सिंह कोर्ट कमिश्नर, जो सहायक कोर्ट कमिश्नर हैं उनके, और जैसे ही कोई अपडेट आता है और जैसे ही वो बताएंगे कि सुनवाई आज होगी नहीं होगी, वादी पक्ष के वकीलों से भी बात हो रही है, वैसे ही एबीपी न्यूज़ में सबसे पहले प्रणय इस अपडेट के साथ हाजिर रहूंगा। लेकिन अभी मैं बता दूं फिलहाल कि चूंकि ये मामला बड़ा विशेष है और ऐसी स्थिति में अगर वकील हड़ताल करते भी हैं तो मुझे ये नहीं लगता कि इस सुनवाई को उनके हड़ताल की वजह से रोका जा सकता है। प्रणय जी बहुत बहुत धन्यवाद, ज्ञानेंद्र आपका भी, पंकज झा आपका भी, और साथ ही रणवीर जो हमारे साथ वाराणसी से जुड़े थे। लगातार एबीपी न्यूज आपको इस पूरे मामले से लगा कि हर बड़ी खबर, हर महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।